when you take the test live so start your race with an academy as they have prepared a full track for you enroll for the gate and set go links are given in the description check it out and let's crack it kuch din pehle maine ek video banaya tha jisme ki आप internships के लिए अप्लाई कर सकते हो IITs में और कैसे आपको internships मिल सकते हैं IITs और NITs में इससे related मैंने वीडियो बनाया था और उसमें एक statement of purpose की ज़रूरत होती है तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना चाहिए ताकि हम सेलेक्ट हो सके इंटर्नशिप्स में या फिर इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है और कैसे लिखना चाहिए ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों मैंने पूरा इन डिटेल में आप लोग को मैं बताऊँगा पूरा मैंने लिखा हुआ है टॉपिक uh, वाइज कि क्या क्या हमें मेंशन करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में दोस्तों मेरा नाम है कैश और एक मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं इस चैनल पे स्टूडेंट से रिलेटेड उनके करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होता क्या है दो चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग कहीं भी अप्लाई कर रहे हो जॉब्स के लिए इंटर्नशिप्स के लिए तो आपकी जो स्टेटमेंट और पर्पज़ है और जो आपकी रिज्यूमे है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिज्यूमे और स्टेटमेंट और पर्पज़ आपको डिपिक्ट करती हैं मतलब आपका पूरा परफॉर्मा होता है कि आप कौन हो क्या करते हो आपके स्किल्स क्या हैं रिज्यूमे में आप अपने टेक्निकल स्किल्स को लिखते हो और एक स्टेटमेंट और पर्पज़ में आप लिखते हो आप हो कौन आप क्या करते हो आपकी स्किल्स क्या हैं और जितनी भी चीज़ें अपने बारे में आप दिखा सकते हो अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर सकते हो जैसे कि मैं अगर बात करूं मुझे अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है तो मैं लिखूंगा मैं कौन हूं कहां पढ़ता हूं मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं मेरा इंटरेस्ट क्या है ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊँगा टॉपिक वाइज कितने पैराग्राफ लिखने चाहिए और हर एक पैराग्राफ में क्या क्या लिखना चाहिए यार सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखना अगर आप स्टेटमेंट और पर्पज़ लिख रहे हो तो कहीं से भी कॉपी नहीं करना आपको इंटरनेट में बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे बहुत सारे रिटन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मिल जाएंगे लेकिन आप मेक श्योर sure कर लेना कि जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो वो आपने कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ है क्योंकि प्रोफेसर्स के पास बहुत ही अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे कि वो पता कर सकते हैं कि आपने कहाँ से कॉपी किया हुआ है और आप में से बहुत सारे लोग को पता भी होगा कि अगर आप कहीं से कॉपी करते हो तो उसका पता बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लेना कि आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है अब हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट और पर्पज लिखते कैसे हैं तो आपको पहले पैराग्राफ में लिखना है अबाउट योर इंट्रोडक्शन आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है आप कौन हो कहाँ पढ़ते हो और कहाँ अप्लाई कर रहे हो तीन से चार लाइन से ज्यादा आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखना मैक्सिमम थ्री लाइन या फोर लाइन्स में इंट्रोडक्शन आपको खत्म कर देना बस आपको इंट्रोड्यूस करना है आप अपना नाम इंट्रोड्यूस कर दो अपना कॉलेज इंट्रोड्यूस कर दो कहाँ अप्लाई कर रहे हो ये इंट्रोड्यूस कर दो बस इतना है इंट्रोडक्शन होना चाहिए अब जो सेकंड पैराग्राफ होना चाहिए वो होना चाहिए आपके बैकग्राउंड के बारे में अब आपने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया आप कहाँ पढ़ते हो अब आपको बताना है कि वहां पे आप क्या पढ़ते हो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स दे सकते हो आपने किसी हैकाथन में पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में बता सकते हो आपके कोई अचीवमेंट्स हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स जैसे कि आप आपने कहीं प्राइज जीता हुआ है आपने किसी वर्कशॉप को अटेंड किया हुआ है या फिर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है ऑनलाइन कोर्सेज कोर्सेरा वगैरह से या फिर आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट से कोर्स किया हुआ है वो सारी चीज़ें मैंशन कर सकते हो देखो अगर आप एक इंटर्नशिप्स के लिए या जॉब के लिए एस लिख रहे हो तो आप एक बात ध्यान में रखना कि आप ऐसी चीज़ें मेंशन करना अपने एस में जो कि आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके आप अदर जो फालतू के डिटेल्स हैं उनको बिल्कुल ऐड नहीं करना आप शॉर्ट लिखो जितना है अच्छे से लिखो जो भी डिटेल्स हैंट हो कोई भी फालतू डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ होना चाहिए वो होना चाहिए आपके इंटरेस्ट के बारे में आपका इंटरेस्ट क्या है आपने अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स किए उनका डोमेन क्या था जैसे कि आपका इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग में डेटा साइंस में तो आप इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके बारे में बताओ मैंने ये ये प्रोजेक्ट किए हैं अभी कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हो आपका इंटरेस्ट क्या है उससे रिलेटेड अगर आपने कोर्स भी किया है तो उसे भी आप इंटरेस्ट में मेंशन कर सकते हो तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट में आपको क्या क्या लिखना है मैं एक बार और आपको बता दूं, एस बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आप जितना छोटा लिखोगे जितना एकूरेट लिखोगे उतना सही होगा फालतू के डिटेल्स डाल के आप अपने एस को दो पेज तीन पेज की बनाने की कोशिश नहीं करना आप इन शॉर्ट सेवन फिफ्टी वर्ड्स फाइव हंड्रेड वर्ड्स तक का एस लिखो एकूरेट जो भी डिटेल्स हैं वो डालने की कोशिश करो अब जो फाइनल पैराग्राफ होता है वो ये होता है कि वाई दिस इंटर्नशिप या वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन आप उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आप उस इंटर्नशिप में क्यों अप्लाई कर रहे हो इसके बारे में आपको लिखना होगा कि क्यों वो इंटर्नशिप आपको अच्छा लग रहा है आप उसमें क्यों अप्लाई कर रहे हो उस इंटर्नशिप में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर जो करियर गोल्स हैं आपके उनमें कैसे ये इंटर्नशिप हेल्प करेगी आपको साथ में ही एक और इंपॉर्टेंट बात आप जरूर ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं कि अगर आप उस इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प करोगे मतलब इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको भी बेनिफिट मिले साथ में ही उस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिले आप जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको आप कैसे टैकल करोगे उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करोगे तो ये चीजें आप ध्यान में रख लेना जो लास्ट पैराग्राफ आपका उसमें ये सारी चीजें मिक्स करके जितना अच्छे से आप लिख सकोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए और एट द लास्ट कुछ टिप्स आपको मैं दे दूं एस के बारे में अगर आप एस लिख रहे हो तो आप ध्यान रखना कि जो एस हो उसके फॉन्ट्स इतने छोटे भी ना हो और ज्यादा स्टाइलिश ना हो सिंपल फॉन्ट हो और बहुत ही आसानी से उसे कोई भी पढ़ सके और साथ में ही जो एस हो उसमें इ डेटा आप ना इनपुट करो और साथ में ही इलेवेंट डेटा वगैरह आप इनपुट नहीं करो अपने एस में इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो और जैसे मैंने बताया वैसे पैराग्राफ वाइज आप अगर अपना एसओपी लिखते हो तो आई होप आप जरूर से सेलेक्ट हो जाओगे अगर आपका ओवरऑल प्रोफाइल अच्छा है तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो होपुली मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इन फ्यूचर मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज और लेकर आने वाला हूं तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड डे स्टे होम स्टे सेफ एंड लर्निंग